Hey guys, welcome back to the channel. मैं हूं आपका दोस्त मनिंदर from MS Safari Explorer. तो दोस्तों आज जो हम अपनी सफारी में काम कराने जा रहे हैं ना, मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं देखता हूं कि हम लोगों की गाड़ियों में एक ये प्रॉब्लम आ जाती है. अब क्या है ये प्रॉब्लम, पहले आप प्रॉब्लम देखो फिर बाद में आगे उस प्रॉब्लम को हम डिस्कस करते हैं. अब ये क्रैक देख रहे हो आप लोग, ये क्रैक विंडस्क्रीन पे एक क्रैक देख रहे हो, ये स्पॉट देख रहे हो आप. नॉर्मली हम सबकी गाड़ियों में, जो भी हम लोग गाड़ियां ड्राइव करते हैं, उनकी गाड़ियों में कभी ना कभी ये किसी ना किसी स्टेज पे ये प्रॉब्लम आ जाती है. और ये प्रॉब्लम क्यों आती है, मतलब अननोइंगली, जैसे कभी आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो हाईवे पे और सामने वाली गाड़ी के टायर से पत्थर निकल के आया, आपकी गाड़ी पे लगा और उसने आपकी गाड़ी का शीशा कर दिया डैमेज. और हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग उसको वैसे ही चलते रहने देते हैं, ठीक है यार चला लेते हैं. एटीट्यूड हमारा ऐसे ही रहता है ना हम सबका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चल. वैसे मैं भी सोच रहा था चलता रहेगा. लेकिन क्या हुआ, एक दिन मैंने गर्मी के दिन में इसको ना गाड़ी को धूप में खड़ा कर दिया और भाई साहब ये क्रैक यहां से लेकर के यहां तक बढ़ गया. तो मुझे लगा कि नहीं यार ऐसे ठीक नहीं है, इसको चेंज कराना चाहिए. और चेंज कराने की सबसे बड़ी समस्या आज की डेट में क्या है कि इसके साथ जो एसोसिएटेड वो देख रहे हो आप, ये चीजें, ये लगा हुआ स्टीकर और ठीक है तेरे मेरे ऑफिस के गेट पासेस हैं कुछ, अब ये सब कैसे निकलेंगे. मैंने क्या किया ना, मैंने तो क्योंकि मेरा जीरो डेप इंश्योरेंस था तो मैं इंश्योरेंस में ही इसको बेटर समझा कि क्लेम कर लेते हैं, नहीं तो अदरवाइज अभी हम चलते हैं विंडशील्ड एक्सपर्ट्स वालों के पास और उनसे बात कर लेते हैं कि अगर हम इसको इंश्योरेंस में अगर हम नहीं लेते, क्लेम नहीं लेते तो कितना चार्जेस आ रहा है, और अगर हम इंश्योरेंस के साथ लेते हैं तो कितना क्लेम आता है. जीरो डेप वाली पॉलिसी का अलग होगा और जिसकी जीरो डेप नहीं होगी उसका पॉलिसी का मैटर अलग होगा. तो आज हम इस प्रोसेस को देख लेते हैं और ये भी कंफर्म कर लेते हैं कि भैया इस शीशे के साथ ऐसे कब तक हम किसी की भी गाड़ी में है तो क्या उसको ड्राइव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है ना. ये आज हम उनसे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और बाकी जो भी प्रोसेस होगा वो मैं आज आपको दिखाता हूँ आज के इस वीडियो में. अंत तक बने रहिए, यही रहेगा, और चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें यार. तो हम ये आ गए हैं विंडशील्ड एक्सपर्ट्स पे. तो भैया जैसे मैंने बता रहा था कि विंडशील्ड एक्सपर्ट्स पे हम आ गए हैं, तो यहाँ पे जो इंचार्ज है मिस्टर विपुल है. तो विपुल जी आप बताओ, यहाँ पर लोग, मैं देखता हूँ कई बार ऐसे, जैसे मेरी गाड़ी में क्रैक आ रखा है, लोग सोचते हैं कि यार चलाने दो गाड़ी को, शीशा ऐसे ही चलाने दो चलता रहेगा, तो क्या चलाना चाहिए, सेफ रहता है? नहीं सर, सेफ नहीं रहता. उसका रीजन ये है कि क्रैक आ गया ना गाड़ी में, बढ़ते रहे तो विजिबिलिटी की प्रॉब्लम आएगी सर. अच्छा, विजिबिलिटी की प्रॉब्लम आएगी तो आपको दिखने में लाइट ऊपर नीचे आएगी, सामने से कोई आ रहा है तो फिर लाइट फैलेगी. और कई बार ऐसी जगह स्पॉट पे हो कि जैसे विजिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं आ रहा. नहीं, इस जगह पे तो जरूर मुझे विजिबिलिटी में इशू आता है, लेकिन कहीं होगा कई बार ऐसा होता है पत्थर यहाँ लग गया या कुछ यहाँ से क्रैक आता है, तो क्या वो चल सकते हैं, लंबा चला सकते हैं? लास्ट तो चल जाएगा लंबा, लेकिन क्या होगा कि एक टाइम आपके यहाँ पे रुक जाएगा, पीक का किनारे पे रुक जाएगा. अच्छा, दिक्कत ये रहती है, विजिबिलिटी की दिक्कत रहती है. विजिबिलिटी की दिक्कत रहती है, सेफ रहता है कि एक तो ये लैमिनेटेड ग्लास होता है, गिरेगा तो नहीं. अच्छा, कभी गिरेगा नहीं, मार्क में नहीं तो रैप हो जाएगा पूरा, ये गिरेगा नहीं. गिरेगा कभी नहीं, गिरेगा कभी नहीं, क्योंकि लैमिनेटेड होता है सैंडविच. अच्छा, ग्लास होता है फिर एक लेयर होती है फिर ग्लास होता है. अच्छा अच्छा, तो इसको हम कुछ कभी जैसे पत्थर लगता है तो कोई ऐसा कोई तरीका है जिससे हम पत्थर लगे लेकिन क्रैक ना हो, ऐसा कुछ कर सकते हैं? कुछ कुछ इसके ऊपर फिल्मिंग करा दें या कुछ करा सकते हैं? फिल्मिंग कराएंगे तो भी लाइट का इशू आता है. अच्छा, ना विजिबिलिटी का इशू आता है. फिल्मिंग आपने करा ली लेकिन ग्लास का ना जो वेलोसिटी तेज होती है पत्थर की तो लग के डॉट आ ही जाता है. अच्छा, वो फैलेगा ही फैलेगा, आप जैसे आपके डॉट आ गए. इसका भी इसको हम रिफिल कर सकते हैं. लेकिन क्या है कि अगर ये पैसेंजर साइड में होता है, ड्राइवर साइड में हम इसको इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम इसमें जैसे ही अपना सामान डालेंगे, लिक्विड डालेंगे तो लिक्विड उसको ब्लर कर देगा. ब्लर कर देगा, ओके. क्योंकि वो फैलेगा अंदर जाके, उसमें ड्रिल करेंगे थोड़ा सा तो फैल जाएगा. तो आपका कहने का मतलब है किसी का ऐसा तरीके का स्पॉट है, इस तरीके का स्पॉट है, वो तो रिकवर कर सकते हो आप अगर ड्राइवर साइड पे नहीं है. ड्राइवर साइड पे नहीं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताइए आपने, ये ब्लैक शेड पे नहीं है और ग्रीन शेड पे नहीं है. अच्छा अच्छा, इस लोकेशन पे होना चाहिए, ओके ओके, साइड पे होना चाहिए, ड्राइवर साइड पे नहीं होना चाहिए. ओके ओके जी, तो चलो ठीक है फिर हम इसको, मतलब आप इसको पूरा रिप्लेस करना पड़ेगा. और हमारा ये स्टिकर्स वगैरह जो है, मेरे ऑफिस के स्टिकर्स हैं, ये सब स्टिकर्स हैं, उसमें ये नीचे वाला स्टिकर उतर जाएगा आपका, अगर वो कागज का स्टिकर है
तो नहीं उतर पाएगा। अगर वो आपका है पन्नी में स्टिकर है, वॉली में, तो सारे पन्नी वाले स्टिकर होते हैं ना। और फास्टैग तो फास्टैग सर हम आपका उतार देंगे, लेकिन क्या होता है 90% चांसेस होते हैं फास्टैग आपका नहीं, वो मैंने ऑर्डर कर दिया है उसका, क्योंकि बहुत बारीक कॉपर ले। अच्छा, आप भी फास्टैग ले सकते हैं अगर जैसे कोई आपके पास यहाँ आए और उसको फास्टैग चाहिए हो तो? फास्टैग अवेलेबल होता है सर, 300 रुपए का फास्टैग है हमारे पास। और मैं देख रहा था कल परसों जब मैं आया तो आपके वाइपर्स भी होते हैं, वाइपर्स भी आप वाइपर भी हमारे पास है, प्रीमियम वाइपर भी होते हैं, नॉर्मल वाइपर भी होते हैं सर। अच्छा 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 जी। कस्टमर को गिफ्ट नहीं देते आप कुछ? हाँ जी, कस्टमर को गिफ्ट नहीं देते, डिस्काउंट देते हैं सर, 10% डिस्काउंट देते हैं अगर वो हमसे ग्लास रिप्लेस करवा रहे हैं। चीज और बताओ, अगर कोई आदमी इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर रहा तो उसके कितने चार्जेस आते हैं गाड़ी टू गाड़ी, रफली बता देना। वैसे मैं बताऊं सर, गाड़ी टू गाड़ी वेरी करता है, जैसे स्विफ्ट हो गया आपका सर 5,000 से 5,500 के बीच पड़ जाएगा। ओके, लेकिन आई टेन हो गया 5,500 के करीब पड़ जाएगा। ओके, आपकी गाड़ी होगी स्कॉर्पियो होगी, सफारी होगी, ये 9,000 से 10,000 से ऊपर ही पड़ते हैं। और अगर इसमें जीरो डेप का इंश्योरेंस क्लेम करते तो 2,500 का खर्चा आता है? वो भी डिपेंड करता है सर सीसी के ऊपर, अगर आपकी गाड़ी 1499 cc से कम है तो 1,000 रुपीज फाइल चार्जेस होता है। अच्छा, अगर आपकी गाड़ी 1500 cc की क्यूब कैपेसिटी है उसकी तो आपका 2,000 का फाइल चार्जेस होता है, ये मिनिमम आपको पे ही करना होगा। वो ठीक है, और अगर जीरो डेप पॉलिसी ना हो किसी की तो? तो सर बस उनको साथ में कॉम्बो देना पड़ेगा सर, अपना डेप्रिसिएशन चार्ज भी देना पड़ेगा। 50% आप पे करेंगे, 50% इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। हाँ, जिनका जीरो डेप होता है उसको पे नहीं करना पड़ता, नहीं पे करना। चलो ये तो अच्छी बात है, तो भैया जीरो डेप पॉलिसी रखा करो सारे यार, इसका मतलब तो यही हुआ सर, जब तक रह सकती है। जीरो डेप मैं बताता हूँ, जीरो डेप आपको शुरू में 2 साल मिलती है, उसके बाद उनको 5 साल कर देते हैं, बहुत सी कंपनियां 5 साल के बाद नहीं करती है। नहीं, मैं तो इसका 7-8 साल चल रहा है, टोक्यो है मेरे ख्याल से, जो 10 साल का कर देती है, कर देती है, तो लेना चाहिए यार। जीरो डेप ही लेना चाहिए, सब कुछ कवर होता है कंज्यूमर। चलो वो वाला स्टीकर निकल जाएगा जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का DL1CU वाला, सारे निकल जाएंगे, बाकी सारे निकल जाएंगे। तो आगे कल को कोई भी और आता है किसी गाड़ी में स्टीकर लगे तो उतर जाएंगे भैया, भेज इधर करके। ये हम आए हुए हैं वैसे विंडशील्ड एक्सपर्ट्स लक्ष्मी नगर में, काम तो हमने शुरू कर दिया इसका। और इसको खोलने के लिए, शीशा उतारने के लिए पहले ये सारा सेटअप उखाड़ना पड़ा है, और अब ये जो शीशा जिसपे सेट हुआ है रबड़ है ना, स्टॉपर, ऐसे 3 स्टॉपर दिख रहे हैं मुझे, 3 स्टॉपर पे ये रहेगा, ये हटाएंगे फिर इसको काटेंगे ये लोग। क्या नाम है भैया आपका? अमान। अमान, और भैया आपका नाम क्या है? संदीप। संदीप, ये क्या कर रहे हो भैया? सर गिलास काट रहा हूँ। ग्लास काट रहे हो? शीशा पूरा आ गया बाहर अपना, आ गया पूरा शीशा बाहर। अब इसको अंदर करोगे या यहीं करेंगे काम? तो भैया आपको पसंद नहीं है नई वाली टाटा सफारी? बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बेस्ट है ये, बेस्ट है, ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड इज गोल्ड। तो नई वाली सफारी, अरे टाटा वाला सुन लो भाई, क्यों नहीं तुम वापस ये वाली सफारी लॉन्च कर देते हो यार हम लोगों के लिए। चलो शीशे के साथ, क्योंकि ये सब चीज़ें भी अटैच हैं तो हटेंगी ये सब, है ना। चलो, क्योंकि गाड़ी हमारी बाहर खड़ी हुई है, अंदर एक ऑलरेडी गाड़ी इस पर काम चल रहा है, तो बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से इन लोगों ने जो है उसको कवर कर दिया है ताकि डस्ट अंदर ना जाए, तो ये प्रोफेशनलिज्म अच्छा लगा मुझे इनका।
ये है अपना नया ग्लास, शीशा इस पे फिट कर दिया इन्होंने। और अभी मैजिक सॉल्यूशन लगना शुरू हो गया शीशे पे, नए शीशे पे। हाथ में बिल्कुल स्टेबिलिटी चाहिए इस काम के लिए, और भैया बहुत ही स्टेबिलिटी से काम कर रहे हैं, बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। फाइनल सेटिंग हो रही है अभी लास्ट की। और ये टेप कब हटाना पड़ेगा? है इसका रजिस्ट्रेशन HSRP वाला, ये लगवाना है। ये अलग ही रोल है इसका, ये नहीं होगा तो पुलिस वाले चलान कर देंगे, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। फिर ये सब निकलवाते हैं अभी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपने डैश कैम का है, ये भी निकलवाता हूँ अभी। फाइनली डन विद द न्यू ग्लास, अब रह गया काम इंपॉर्टेंट स्टिकर्स का, बाकी सारे काम हो गए हैं। भाई वैक्यूम करा जा रहा है गाड़ी में, जो भी कुछ आपकी गाड़ी के अंदर डस्ट पार्टिकल्स वगैरह आया होगा वो सब साफ कर दिया जाएगा, अनदर गुड थिंग। अभी हमारा काम शुरू हो गया स्पीकर का, हॉट गन से उसको मारा जा रहा है।
बिल निकल गया है और 2500 रुपए का अपना फाइलिंग चार्जेस। और भैया ने बहुत स्वीट है, भैया ने हमारा वाइपर भी चेंज करवा दिया और अब कुछ बता रहे हैं भैया, क्या बता रहे हैं भैया बताओ। आपका वारंटी कार्ड है, आपको एक साल की वारंटी देते हैं, फिटमेंट की प्लस विजिबिलिटी की, फिटमेंट की और विजिबिलिटी। हाँ जी, गाड़ी में कोई लीकेजिंग आए या पानी का कोई इशू आए, आपको लगे कि मेरा खींचा हिल रहा है, ये साल तक सारी टैग इंडिया वैलिड है, आप हमारे किसी भी आउटलेट में जाकर आप रिप्लेस करा सकते हैं। अच्छा, प्लस इसमें आपको पता मिलेगी फिटमेंट विजिबिलिटी की वारंटी। अच्छा, आपको चलाते हुए लगे कि लाइट फैल रही हो, ब्लर आ रहा हो, उनको नीचे दिख रहा हो सामने से, तो भी आपको इसको एक साल की वारंटी मिलती है, ये भी हमारे पैन इंडिया किसी भी आउटलेट पे कवर हो जाता है। ओके, स्क्रैचेस और सर डैमेज की कोई वारंटी नहीं है, क्योंकि स्क्रैचेस से भी क्या होता है कि विजिबिलिटी का इशू आता है, गाड़ी में ग्लास पे स्क्रैचेस है तो सर वो कवर नहीं होगा वारंटी। चलो भैया, थैंक यू वेरी मच, बहुत हाँ बिल्कुल सेटिस्फाइड है। मैं तो कहूँगा यार, अगर किसी के क्लास चेंज होना है तो विंडशील्ड्स पे। आप ये कहाँ पर है? ये हमारा ये निर्माण घर मेट्रो स्टेशन के नीचे, राजू पैलेस के अपोजिट, राजू पैलेस के अपोजिट, लक्ष्मी नगर। थैंक यू। और ये हमारी टीम थी, अमान भैया और भैया बाग। हाँ, वेरी गुड भैया, थैंक यू।